देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर चंची न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बताते चले कि चुनाव का माहौल यूपी में गंभीर होता जा रहा है। इसी दौरान कृषक इंटर कॉलेज थाना गद्दी लोकसभा मछली शहर में आज योगी आदित्यनाथ विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे। नमस्कार, खबर सेवन से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक बार फिर चलते हैं आज लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत थाना गद्दी कृषक इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। इस जनसभा के माध्यम से मैं मंच को सीधे संबोधित करना चाहता हूँ। यहाँ पे विजय संकल्प जनसभा कृषक इंटर कॉलेज थाना गद्दी जौनपुर में आज मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है कुछ ही समय में। इसके बाद हम अपने खबर सेवन सी चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी एकदम एक बार पूरे मैं हूँ चौकीदार के टोपी लगाए हुए सारे लोग यहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठा हुई है और ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे लगता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। और मैं अपने खबर सेवंसी चैनल के माध्यम से हम आपको थोड़ी देर बाद ले चलेंगे और यहाँ से पूरा यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके व्यक्तित्व में राजनीति और अध्यात्म का अनूठा अद्भुत संगम है, जिनका जीवन ही गरीब शोषित पीड़ित जन के उत्थान के लिए समर्पित है, ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय योगी भारत माता की भारत माता की प्रियंका जी, आप भारत के संस्कारों को मत छोड़िए। ये गाली इटली में चलती होगी, कृपया भारत के बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो कम से कम गाली को मत सिखाओ। अब यही कांग्रेस के संस्कार रह गए कि बच्चों को गाली सिखाई जा रही है। और आप देखना बुआ और बबुआ का हाल तो 23 मई को तिथि नोट कर लेना, जब परिणाम आएगा तो बुआ बोलेगी कि बबुआ तो गुंडों का सरताज है, मैंने गलती की थी। और बबुआ बोलेगा कि भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के साथ मैंने गलती की, अपने बाप की सलाह को नहीं माना। बिजली देते कैसे, क्योंकि रात के अंधेरे में ही प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे और इसीलिए तो कहा गया है चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए बिजली नहीं देते थे। आज तो बिजली मिल रही है ना, भरपूर मिल रही है ना, सबको कनेक्शन और सब जगह बिजली देने का कार्य 2 वर्ष में 1.5 लाख मजदूरों तक बिजली पहुंचाए हैं और आगामी 2 वर्ष के दौरान कोई मजरा नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास विद्युत का अपना